आदरणीय किसान भाइयों इन पंजाब शुगर मिल में आपका बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन आज आपको मुलाकात कराते हैं गन्ने के बहुत ही प्रगतिशील और अच्छे किसान जो गन्ने की अच्छी पैदावार लेते हैं श्री धर्मेंद्र सिंह पटेल जी और गोलू भैया और ये गन्ना आप जो देख रहे हैं ये गन्ना जो है पच्चीस नवम्बर को लगा हुआ है क्यों भैया पच्चीस नवंबर पच्चीस नवंबर को ये गन्ना लगा हुआ है और इस गन्ने में तेरह पूरी है और गन्ने की मोटाई भी अच्छी है ये देखिए आप लोग जो है आपका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रहा आप हर साल 600-700 से ऊपर ही पैदावार लेते हैं ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि सभी किसानों को संदेश दिया जाए कि इस तरह का मैनेजमेंट करें और गन्ने में अच्छी से अच्छी पैदावार लें इसमें भैया थोड़ा सा मार्गदर्शन के लिए आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे इसमें क्या क्या आपने यूज़ किया था पहले हमने ये इसमें कॉम्बोकेट और डी और पोटास और एक बोरी यूरिया डाले थे बेसल में अच्छा और उतने ही खाद फिर मट्टी चढ़ाने के पहले जो है डाले थे और बीच बीच में दो तीन बार यूरिया जो डाले थे ठंड के वजह से अच्छा हाँ। नहीं और कोई इसमें बीमारी कीट तो नहीं आया कोई बीमारी कोई कीट नहीं आया देखिए तो आपने क्या है माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिय जो पौधे को सभी पोषक तत्व प्रदान करता है आपने एरीज का डालाट डाला डाला था चौबीस किलो वाला हाँ चौबीस किलो एरीज का काम्बिकेट प्रति एकड़ के हिसाब से और आप जो है गन्ने को सी ट्रीटमेंट उपचारित करके गन्ना लगाते हैं गन्ना जब आप लगाते हैं तो भैया है जो मेन चीज़ है आप बताइए कि ऊपर की दो पेरी हटा देते हैं ऊपर की भी दो पेरी हटाते हैं और नीचे की चार से पांच पेरी हटाते हैं जो हार्ड हो जाती है आँख ऊपर की जो आँख नाजुक रहती है उसको हटा देते हैं बीच का गन्ना सही वाला लगाते हैं हाँ। उसके बाद भी उसमें से जो आँख सही है वही लगाते हैं बाकी फेंक देते हैं और भैया आप हमारे किसान भाइयों को जहां हमारे किसान भाई 200 250 300 400 सौ तक पाँच तक ले रहे हैं आप लोगों से ज़्यादा भी पैदावार नहीं ले पा रहे हैं आप 600 से ऊपर ही पैदावार ले रहे हैं एवरेज आपका पाँच साढ़े पाँच सौ है तो 600 700 सात सौ पैदावार आप ले लेते हैं आप हमारे किसानों को क्या संदेश देंगे कि किस तरह से खेती करें कुछ पॉइंट एक दो बताइए जिससे पैदावार ज़्यादा हो मैं पैदावार की सबसे एक बड़ी सलाह देना चाहता हूँ कि सबसे प्रमुख चीज़ें हैं कि एक तो अक्टूबर और नवम्बर में ही गन्ना लगाएँ और गन्ने के बीच में दूसरी फसल कोई भी फसल हो न लगाए न लगाए हाँ। और खाद का और पानी का मैनेजमेंट अच्छा रखे हाँ। समय पे मट्टी हाँ कल्ला पर्याप्त हो गए तो मट्टी चढ़ा दें हाँ। और जितना बेसल डोज आपने उसमें दिया है हाँ। उतना ही बेसल आप 120 दिन बाद फिर दें जी हाँ। 120 दिन के अंदर में हाँ। मट्टी फाइनल चढ़ाते समय फिर से दें हाँ। तो और उसके बाद दो बार यूरिया बारिश अच्छी गिरने पर दें और जरूरत पड़ी तो एक बोरी एकड़ पे दें जी, जी जी हम लगभग तीन बोरी पोटास गन्ने में देते हैं पोटास से भी वजन और ईर्द अच्छी आती है बहुत अच्छी बात ये महाराष्ट्र में भी हम घूमने गए थे सुरेश कगवाड़े के प्लाट पर उन्होंने भी कहा कि पोटास गन्ने की मोटाई को बढ़ाता है आप जो तीन बोरी पोटास देते हैं हमारे यहाँ और भी किसान हैं जो एक बोरी पोटास ही सिर्फ यूज करते हैं दो बोरी डी और तीन बोरी पोटाश पोटास नहीं मिल रही है तो एनपी भी अपन हाँ चार बोरी दो बार में दे सकते हैं ठीक है ये इस तरह का पैदावार लेने के लिए एन पंजाब शुगर मिल की ओर से आप धन्यवाद, आपको धन्यवाद आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका मार्गदर्शन किसानों को समय समय पर ऐसे मिलता रहेगा क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग जो प्रायोगिक चीज़ है मौखिक चीज़ बताने पर असर नहीं पड़ता है लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें आपने भैया ने ये प्लाट आप देखिए कि जितनी अच्छी मोटाई है इस गन्ने की इसमें तेरह पूरी हो गई है गन्ने की अच्छी मोटाई है और इस तरह का मैनेजमेंट है आपका मुख्य संदेश ये रहा कि आटम प्लांटिंग अक्टूबर बाबक आप लगाएंगे तो आपकी पैदावार अच्छी और होगी क्यों हाँ, अक्टूबर में लगा ही नहीं तो अन्यथा हाँ नहीं तो फिर इल्ड नहीं इल्ड नहीं हो पाएगा अगर आपको तो अच्छी पैदावार लेनी होगी तो आपको आटम प्लांटिंग लगाना होगा और अच्छी सलाह देने के लिए अच्छी पैदावार लेने के लिए हमारे किसान भाइयों तो को नींद खर पतवार प्री इमरजेंस एप्लीकेशन है पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन जमाव के पहले तो आप सेंकार डालते हैं क्या नहीं हम ये बोने के तुरंत बाद से जब अच्छी नमी कर देते हैं जो हाँ। पानी देते हैं पहला जमुनी का कहते हैं उसको हाँ। गांव की भाषा में हाँ। उसके बाद हम तेज एक आधा किलो अल्ट्राजीन के पांच पम्प बना के डाल देते हैं तो वो काफी एक महीने तक हमको न, नया कचरा उगने नहीं देता हाँ। उसके बाद जो भी है एक बार तमर मारते हैं हाँ। फिर मट्टी चढ़ाने के बाद और भी कचरा लेट में हुआ बारिश में तो फिर एक बार और तमर मारते हैं उसके बाद जरूरत गन्ना इतना घना हो जाता है कि वो नींदा होने ही नहीं देता प्री इमरजेंस एप्लीकेशन में आप जो हेल्थ्राइजिंग का प्रयोग करते हैं फिर उसके बाद ट्राइन एट्टी परसेंट डब्लू जी तमर का प्रयोग करते हाँ। हैं जो पोस्ट एमरजेंस में काम करता है खरपतवार का नियंत्रण अगर आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपको पैदावार मिलेगा क्योंकि फसलों की तीस से पैंतीस पैदावार खरपतवार के द्वारा मारी जाए है जो आप पोषक तत्व तो देते हैं देते हैं वो उठा लेते हैं वो पोषक तत्व उठा लेता है खरपतवार का नियंत्रण करें अक्टूबर में गन्ना लगाएं गन्ने में तीन से चार बोरी पोटास डालें और समय समय पर पानी और अच्छा मैनेजमेंट करें किसान भाइयों को अच्छी सलाह देने के लिए अच्छे मार्गदर्शन के लिए श्री धर्मेंद्र पटेल गोलू भैया को फैक्ट्री की तरफ से और हमारी तरफ से बार बार धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद